Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. को देखते हुए नहीं मनाया जाएगा इस बार मुहर्रम। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी किलाघाट दरभंगा की ओर से मंगलवार को मदरसा हमीदिया परिसर में आम जनता एवं खिलाड़ियों के साथ मुहर्रम पर्व को लेकर बैठक आयोजित की गई। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी अध्यक्ष डब्बू खान, महासचिव रुस्तम कुरैशी एवं कोष अध्यक्ष पप्पू खान ने संयुक्त रूप से बैठक में भाग लिया। बैठक के उपरांत अध्यक्ष डब्बू खान ने कहा, 2 सालों से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है। बुधवार को मुहर्रम की पहली तारीख है, जिसे लेकर मंगलवार को ये विशेष बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा, पिछले साल कोरोना संक्रमण की पहली लहर को देखते हुए सभी तरह के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस बार दूसरी लहर में भी कई पर्व त्योहार एक जगह इकट्ठा होकर नहीं मनाया गया। उन्होंने कहा, सरकार का दिशा निर्देश जो भी मिला है उसका पालन करते हुए हम लोग भी सभी तरह के आयोजनों में, जिसमें अखाड़ों द्वारा नुमाइशी का प्रोग्राम सहित मिलान के अलावा मिट्टी लाने की रस्म की अदायगी होती थी और विभिन्न अखाड़ों के द्वारा मोहल्लों में जगह जगह मुहर्रम का खेल भी होता था, सभी कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला लिया गया है और सभी अखाड़ों से आग्रह किया कि इस निर्णय का पालन करते हुए अपना अपना सहयोग करेंगे। आज अहम बैठक हुई थी, चूँकि कल मुहर्रम की पहली तारीख है और जैसा कि मालूम है कि पिछले 2 वर्षों से हमारा देश जो है कोरोना से जंग लड़ रहा है और अभी भी हम इससे उबर नहीं पाए हैं। सेकंड फेज आया था गालिबन अप्रैल में, इतनी बुरी स्थिति थी और डॉक्टरों ने थर्ड फेज की भी जो है आशंका जताई है, जिसके तहत बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाया और कुछ रियायतें भी दी है, अभी छूट भी मिली है, लेकिन मंदिर और मस्जिद को बंद रखा गया है और कोई भी धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पर नहीं करने की मनाहट है, जिसकी वजह से हम लोग पिछली बार भी लॉकडाउन का पालन किए थे और सारे अपने जो मुहर्रम के प्रोग्राम थे उसको स्थगित किए थे। इस बार भी हमारी मीटिंग हुई है हमारे सेक्रेटरी साहब रुस्तम कुरैशी साहब के नेतृत्व में और पप्पू खान साहब खजांची कोषाध्यक्ष उनके नेतृत्व में, तो हम लोगों ने सारे खारियों को जो है निर्देश दिया है कि चूँकि सरकार का लॉकडाउन का आदेश है और किसी भी धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पर रोक लगाई गई है, इसलिए भी आप लोग भी अपना अपना जो भी करते हैं, जो भी प्रोग्राम है उसको समय जो है स्थगित करेंगे और हम लोग भी जो मुहर्रम कमेटी, ज़िला मुहर्रम कमेटी का जो अपना प्रोग्राम होता था, जैसे नुमाइशी का प्रोग्राम है, पहली तारीख को मिट्टी लाने का प्रोग्राम होता था और शीढ़ी चढ़ाने की 8वीं मुहर्रम को और मिलान वगैरह, सारी चीज़ों को हम लोगों ने स्थगित किया। आज जिला मुहर्रम कमेटी की एक बैठक थी कि इस बार लॉकडाउन को देखते हुए कोरोना का थर्ड फेज हमारे दरभंगा में, हमारे बिहार में ना आए, इसके लिए जिला मुहर्रम कमेटी सरकार का जो दिशा निर्देश है उसको पालन करते हुए अपना सारा प्रोग्राम जिला मुहर्रम कमेटी के अंतर्गत जो प्रोग्राम है उसको स्थगित किया गया है, उसको कैंसिल किया जाता है और साथ ही साथ आप लोगों के माध्यम से मैं ज़िला के लोगों से और जितने भी अखाड़ियाँ हैं उस्तादों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो ज़िला मुहर्रम कमेटी सरकार के दिशा निर्देश को देखते हुए फैसला ली है, आप लोग इस पर अमल करें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा जैसा हुआ था, जो हम लोग कामयाब हुए थे, इस दफ़ा भी हम लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह। हम लोग, हमारे जो बड़े भाई, जो डब्बू भाई सिगरेट साहब रुस्तम कुरैशी साहब है, एक टीम का व्यवस्था की है जो हर मोहल्ला में जा कर के जो उस्ताद को और खिलाड़ियों को जो उल्टा पुल्टा कोई इधर उधर नहीं करे उनको समझाने का काम करेंगे। इसीलिए आज बैठक था, आज के अलावा हर मोहल्ले में भेजा जाएगा जो टीम का व्यवस्था किया गया।